फेस टू फेस सिर्फ R9 भारत पर। जनपद शाहजहांपुर के सिंधौली क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 से जो प्रत्याशी हैं बबली देवी, उनके पति सुधाकर त्रिपाठी इस समय चुनाव मैदान में हैं और पूरी तरीके से ग्राम पंचायतों में जा जा करके और अपनी पत्नी के लिए समर्थन मांग रहे हैं और बात कर रहे हैं। हम भी बात करेंगे कि उनके साथ में जो लोग चल रहे हैं, जो कंधे से कंधा मिला करके और जो उनकी मदद में, जो उनके लिए चुनाव में दिन रात किए हुए, किस तरीके से क्या कुछ है, वर्तमान स्थिति क्या है उनकी। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि बबली देवी जो चुनाव मैदान में है उनकी क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से क्या कुछ निकल के आ रहा है। ये बबली देवी का चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है। जनता सही और गलत का फैसला अपने आप खुद करेगी, मत का ये दान है। और जनता जो हमारी है, नेता तो बहुत बनते हैं मगर हमारी किसान की समस्या ना कोई आज तक किसी ने सुनी है। एक ऐसी बबली देवी जो प्रत्याशी है, जो किसानों की हक की बात हमारी हर जगह उठाती है, हमारे हक की लड़ाई लड़ती है, तो हम लोग ईमानदार, चाहे प्रत्याशी हो या नेता हो, हम उसके साथ हैं और कंधे से कंधा मिला कर रहेंगे। और जीत बहुत बड़ी जीत होगी, इतनी बड़ी जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी, जो इतिहास में लिखने वाली जीत होगी। बहुत बढ़िया बात कही है कि बहुत बड़ी जीत होगी, बबली देवी चुनाव जीतेंगी। उनके एक और खास समर्थक हमारे साथ में, क्या कुछ लग रहा है आपको चुनाव में? आपको काफी कुछ स्थिति साफ हो गई है पंचायत चुनाव में, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, जो किसानों और गरीबों के साथ है, हम सब सपोर्टर और वोटर उसी के साथ हैं। और जो हमारा प्रत्याशी है वो सीधा, खुला और निर्दलीय है, इसीलिए वो किसानों के साथ है, किसान उसकी सपोर्ट करना चाहता है और गरीब भी उसके साथ है, इसीलिए हम खुलकर बबली देवी को चुनाव लड़ाएंगे और भारी मतों से विजयी बनाएंगे। बहुत बढ़िया बात है कि खुलकर चुनाव लड़ाएंगे और भारी मतों से बबली देवी को विजयी बनाएंगे। खैर, ये तो आने वाला 2 मई का जो परिणाम है वही तय करेगा। शाहजहांपुर से R9 भारत के लिए अरविंद त्रिपाठी। नमस्कार दोस्तों, R9 भारत नेशनल न्यूज चैनल के फेस टू फेस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पंचायत चुनाव की जो तस्वीरें थी वो लगभग अब धुंधलेपन से बाहर आ रही हैं और साफ होती नजर आ रही हैं। ऐसे ही शाहजहांपुर जनपद के सिंधौली द्वितीय वार्ड संख्या 11 से जो प्रत्याशी हैं बबली देवी जी, उनके पति जी हमारे साथ में आज मौजूद हैं, सुधाकर त्रिपाठी जी। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे, निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य रहे हैं वो, उन्होंने जो अपने वार्ड में, जो अपने क्षेत्र की जनता के बीच में जाकर के जो विकास कार्य कराए हैं, उन्हीं की दम पर वो आगे अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में लेकर के आए हैं और एक बार पुनः उन्हीं विकास कार्यों के दम पर जनता के बीच में है। क्या कुछ किया है, क्या कुछ करने का इरादा है, आइए जानते हैं उनसे। सुधाकर त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है R9 भारत के खास प्रोग्राम फेस टू फेस में। क्या कुछ वादे और इरादे लेकर के जनता के बीच में? मेरा एक ही वादा है, एक ही इरादा है कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास। इससे पहले मेरी पत्नी सिंधौली तृतीय वार्ड संख्या 12 से जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई। वहां मैंने मेरे द्वारा क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो आदमपुर नकेड़ा नाला की पुलिया हो, ढकिया रनबास की इंटरलॉकिंग हो, कोरों कुइयां से दिवाली खड़ंजा निर्माण कार्य हो, पसिगनपुर से मन्नावारी डामर और सकरिया नाला की पुलिया, जो क्षेत्र के 200 वर्ष नेता जिसके दम पर जनता को गुमराह करके वोट लेते आए हैं और नहीं करा पाए, चाहे वो शिवनगर से पसगनपुर की ओर खड़ंजा निर्माण कार्य हो, चाहे पनबाड़ी से कठपुरा खड़ंजा निर्माण कार्य हो, चाहे पनबाड़ी की इंटरलॉकिंग हो, चाहे पसगनपुर से
प्राथमिक विद्यालय तक खड़ंजा निर्माण कार्य हो, चाहे नगला शाहजहां में इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य हो, चाहे बादपुर से आलमपुर खड़ंजा निर्माण कार्य हो, इस तरह से क्षेत्र में तमाम विकास के कार्य कराए। क्षेत्र में जो बिजली समस्या थी उसके लिए संघर्ष करके क्षेत्र में 18 घंटे बिजली सप्लाई दी। रोडों की स्थिति बद से बदतर थी जब क्षेत्र से मैं मेंबर बना, सदन से सड़क तक जनता के लिए समर्पित रहा। उसका परिणाम है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के रोडों की तुलना पूरे जनपद से की जा सकती है। युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए 24 घंटे समर्पित रहा, हर समय जनता की सेवा के लिए उपस्थित रहा। जनता की मैंने पूर्ण रूप से सेवा की और सहयोग किया। इसी के दम पर आज मैं वार्ड संख्या 11 से, मेरी पत्नी श्रीमती बबली देवी चुनाव मैदान में हैं, जिनका चुनाव चिन्ह केतली है। जनता बहुत समझदार है, ये चुनाव गरीब बनाम झोपड़ी बनाम कोठी है, और झोपड़ी कभी बिकती नहीं है, कोठी कभी टिकती नहीं है। मैं जब क्षेत्र में आया तो मुझे लगा कि यहाँ तो बड़े बड़े नेता हैं, मैं तो छोटा व्यक्ति था, जिस क्षेत्र से निर्वाचित हुआ वहां कम काम करा पाया होगा, लेकिन यहाँ तो बहुत बहुत बड़े नेता है, यहाँ तो विकास ही विकास होगा। लेकिन जब क्षेत्र में उतर के देखा तो क्षेत्र की तस्वीर ही दूसरी थी, रोडों की स्थिति बदतर थी, तो गांवों के लिए रास्ता नहीं है। एक गांव ऐसा मिला मुझे जहां के विकास की बड़ी चर्चा सुनी, लेकिन जब मैं भटपुरा गया तो वहां तक पहुंचने में मुझे ईश्वर और खुदा दोनों याद आ गए। रास्ते की स्थिति, कुतुबापुर गया तो वहां जाने से पहुंचने के लिए मुझे फिर खुदा और भगवान दोनों को याद करना पड़ा। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नेताओं ने जनता को सिर्फ बरादरी पार्टी के नाम पर ठगा, लेकिन यह चुनाव छप्पर वाले से चुनाव है। गरीब कभी बिकता नहीं है और बड़ा कभी टिकता नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने की है कि गरीब कभी बिकता नहीं है और बड़ा कभी टिकता नहीं है। विकास के तमाम वादे किए गए, भाजपा सरकार ने विकासवादी नीति की कल्पना करके और विकासवादी नीति को धरातल पर उतारने के जो वादे किए, उनमें क्या सच्चाई है ये सब जनता जानती है। हमारे बताने से बेहतर, जनता बहुत समझदार है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मा शेत परमात्मा, हर प्राणी के अंदर ईश्वर का अंश है। और यहाँ का हर युवा बहुत योग्य है। वो जमाने चले गए जब सुपर दे दिए, डीएपी के पैसे ले लिए। वो जमाने लद गए जो 300 दिए, 30,000 लिखे और 3,00,000 ले लिए, जलिया वालों के फ्री में लिखाए लो। तो ठेकेदारी के गए, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि ठेकेदारी के जमाने लद गए, अब वो प्रथाएं समाप्त हो गई, हर व्यक्ति अपने आप में जागरूक है। अब गाँव में भी इंटरनेट की सुविधाएं हैं, हर व्यक्ति मोबाइल हाथ में है, बहुत सी चीजें जानता है, जागरूक हो गया है। तो अब आपको अपनी पत्नी को जो वार्ड नंबर 11 से आपने उतारा है, चुनाव चिन्ह केतली है जिनका, क्या इरादे हैं आगे कुछ करने के? मेरा एक ही वादा है, एक ही इरादा है कि निश्चित तौर पर गरीबों का सम्मान और क्षेत्र का विकास। मुझे युवाओं की, झोपड़ी वालों की, बुजुर्गों की, माताओं की, बहनों और छोटे बच्चों के भी आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि मुझे पढ़ाया गया कि बंद हूँ बाल रूप सोई रामू। श्रीमद भागवत में भी लिखा है कि विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत हिंसा सुपापेन बहिंसता कला साधु समुक्तेन भयाद्य उचित। मुझे तो बड़ा विडम्बना लगी जब इस क्षेत्र में आए, राजनीति में लोग विकास का वादा करते हैं, लेकिन विकास तो कहाँ होता है, जनता भी जानता है कि लोग चुनाव जीतने के बाद में विकास अपना खुद का करते हैं। उन्हें खुदा से डरना चाहिए, ईश्वर से डरना चाहिए, क्योंकि आत्मा शेत परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। हमें भी खुदा के यहाँ जाना है और उन्हें भी खुदा के यहाँ जाना है। बिल्कुल सही बात की है कि हमें भी खुदा के यहाँ जाना है, हमें भी परमात्मा के यहाँ जाना है, और क्षेत्र की जनता के साथ
और क्षेत्र के जो गरीब तबके के लोग हैं, खास करके वो लोग जो आज भी विकास से अछूते हैं, उनको साथ लेकर के चलने की बात सुधाकर त्रिपाठी जी कर रहे हैं। और आज अपने द्वारा जो विकास कार्य करवाए गए हैं उनका दम्भ भरते हैं और सीना ठोक करके कहते हैं कि हम उन विकास कार्यों को आगे ले जाएंगे जो अछूते लोग हैं, उनको उस कड़ी से जोड़कर और उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाएंगे। ये अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में चुनाव चिन्ह केतली के रूप में लेकर के आए हैं और जनता से जो वादा और इरादा इनका है कहने का, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम गरीब बनाम रईस का ये चुनाव है और इसमें विजय, क्योंकि वोटर जो है वो गरीब तबके का है और उसको कहीं ना कहीं उसके साथ छलावा हो रहा है, तो ये भी क्या सच है? बिल्कुल, यहाँ पर कुछ प्रत्याशी है जो सत्ता और बाहुबल का प्रयोग करना चाहते हैं, धन बल के प्रयोग से वो चुनाव जीतना चाहते हैं, सत्य के दम से वो चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन याद रखे कि उन्हें घर घर, झोपड़ी झोपड़ी, गली गली जाना पड़ेगा। और जो प्रत्याशी चुनाव में घर घर नहीं घूम सकता है, वो क्षेत्र का भला क्या करेगा? वो चुनाव में अपने मतदाताओं को नहीं पहचान सकता है, वो चुनाव के बाद क्या करेगा? नेता तो भिखारी होता है जिन्हें लोगों को भीख मांगना भी नहीं आता, इनको तो भीख मांगना भी नहीं आता। आज भी इनका दिमाग में पैसे की गर्मी है और गरीब युवा कभी गर्मी नहीं देखता है, गरीबों ने कभी किसी की गर्मी नहीं देखी और युवाओं ने तो नहीं देखी। जनपद शाहजहांपुर है, यहाँ के युवाओं ने जब ललकारा था तो यहाँ से तो अंग्रेज भाग गए। बबली देवी पत्नी सुधाकर त्रिपाठी को भारी मतों से विजयी बनाए, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हमेशा आभारी रहूंगा और विश्वास दिलाता हूँ कि जीवन में मेरी जरूरत पड़ी तो मैं खून भी दूंगा, रात दिन आपके लिए संघर्ष करूंगा और प्रत्युपकार तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन शायद अपने ऊपर वोटों का ब्याज नहीं लगने दूंगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए पुनः वोट और आशीर्वाद की अपील करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो चुनाव है जिला पंचायत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्रांतिकारियों की धरती रही है शाहजहांपुर और ये बहुत बढ़िया बात कही है, उन्होंने कहा है क्रांतिकारियों की जमीन रही है शाहजहांपुर और यहाँ का युवा जागृत हो चुका है, यहाँ का गरीब समझ चुका है, अब वो किसी के छलावे और बहकावे में नहीं आने वाला और वो उसने मन बना लिया है, गरीब जनता ने मन बना लिया है। इसीलिए सुधाकर त्रिपाठी ने सभी दलों को दरकिनार करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी पत्नी को मैदान में उतारा है और देखना होगा कि 2 मई के जो परिणाम आएंगे उनमें क्या कुछ नतीजे होंगे। शाहजहांपुर से R9 भारत के लिए तो अरविंद त्रिपाठी। बड़े भाई फेस टू फेस सिर्फ R9 भारत पर।